नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस सेवा में काम करने वाले लोगों की छुट्टियां तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक रद्द कर दी गई हैं। अत्यंत विशेष परिस्थितियों में अवकाश स्वीकृति प्रदान किया जा सकता है। विधानसभा चुनाव के लिए सूबे को 35,000 जिला पुलिस बल, 22,000 होमगार्ड, 4,980 सैफ, 5,850 बीएमपी के जवानों की जरूरत होती है। इन्हें चुनाव कार्य में लगाया जा रहा है। इनके अतिरिक्त केंद्रीय पुलिस बलों की भी प्रतिनियुक्ति की जाती है। वीआईपी पार्टी के अध्यक्ष मुकेश सहनी ने अपने दल के सभी सदस्यों को एक नई ऊर्जा से काम करने को कहा है। 11 सीटें दिए जाने के चलते एनडीए के प्रति वे नतमस्तक हैं। सहनी का मानना है कि महागठबंधन ने उन्हें ठुकराया और एनडीए गठबंधन ने हृदय से अपनाया। इस बीच सभी दलों को बागियों की समस्या से जूझना पड़ रहा है। पहले संघ के कार्यकर्ताओं ने ही दल बल का खेल शुरू किया और उसके बाद अब भाजपा के 3 नेताओं ने लोजपा का दामन थाम कर चुनौती दी है। इस बीच पटना के समीप के फतुहा विधानसभा सीट पर भी लोजपा से आए सदस्य को टिकट मिलने से सभी भगवादारी हतप्रभ है। लोग इसे स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं। जदयू ने भी अपने कई नेताओं को टिकट से वंचित कर तनाव को जन्म दिया है। इस बार जदयू ने अपने 12 विधायकों को टिकट से बेदखल कर दिया है। सभी 115 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई है। निवर्तमान डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे को जोर का झटका लगा है। अब संभावना है कि वे चुनावी चुनौती से बाहर हो गए हैं। उनकी राय से यह साफ झलकता है कि विधानसभा टिकट नहीं मिलने से उन्हें काफी निराशा हुई है। प्रथम चरण के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने वाले उम्मीदवार के बीच आज तेजी देखी गई। आज मोकामा विधानसभा सीट के लिए जदयू प्रत्याशी राजीव नयन भी अपना पर्चा दाखिल कर रहे हैं। बुधवार को कुल 109 प्रत्याशियों ने विभिन्न क्षेत्रों से नामांकन पत्र दाखिल किया। जन अधिकार पार्टी के प्रमुख पप्पू यादव ने लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान से सवालिया लहजे में पूछा है कि जब नीतीश बुरे तब भाजपा अच्छी कैसे। इस कटाक्ष पर राजनीतिक हलकों में हलचल है। चुनाव आयोग ने कोरोना को ध्यान में रखते हुए सभी पार्टियों के स्टार प्रचारकों की संख्या 30 करने का सुझाव आदेश दिया है। गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए अब यह संख्या 15 कर दी गई है। स्थानीय स्तर पर मुद्दों की आड़ में जनता के बीच दलों के उम्मीदवारों को आक्रोश का सामना करना पड़ रहा है। खासकर सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं बेरोजगारी को लेकर जनता के बीच अपने जन प्रतिनिधियों से क्षोभ है। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।